हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू उमास क्रिएटिव कॉर्नर। मैं हूँ उमा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये पोर्टेबल स्टेपलर स्विंग मशीन, जो कि बहुत ही यूजफुल है। ये मुझे मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किया था, इसे मैंने पर्सनली इस्तेमाल किया है। सो फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट मुझे काफी यूजफुल लगा और इसका एक्सपीरियंस मैंने चाहा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इस प्रोडक्ट का हमें कैसे यूज करना है और हमें इस प्रोडक्ट के साथ हमें क्या क्या चीजें रिसीव हुई हैं। फ्रेंड्स, यह प्रोडक्ट आपको लोकल मार्केट या ऑनलाइन में भी बहुत ही इजीली 200 से 300 रुपए में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, इसके साथ हमें मिला है इंस्ट्रक्शन मैनुअल। इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि हमें ये प्रोडक्ट किस तरीके से यूज करना है। इसके साथ मुझे कुछ और एडिशनल चीजें मिली हुई हैं, इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टेपलर फॉर्म में आपको ये स्विंग मशीन मिल जाएगा, जो कि काफी इजी है हमें इसे कैरी करना और ट्रैवल फ्रेंडली भी ये काफी अच्छा है। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉबिन दिया हुआ है, जिसे हम इजीली इस तरीके से स्क्रू खोल के या रिमूव करके वापस लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि इस मशीन में हमें धागे को किस तरीके से लगाना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इस तरीके से बॉबिन को यहाँ पे एडजस्ट करना है और यहाँ पे इसका स्क्रू है, इसे हमें इस तरीके से टाइट कर लेना है। फिर आप देख सकते हैं ये धागे को हमें यहाँ पे ये दो होल दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं इसमें हमें इस तरीके से इसे डाल लेना है, हमें यहाँ पे इस तरीके से इसे एडजस्ट करना है। तो इसे हमें निडल में इस तरीके से अंदर के साइड से बाहर की तरफ इसे डालना है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम इसे यूज करके देख लेते हैं कि ये किस तरीके से यूज होता है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे डबल कपड़ा लिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मशीन में इस तरीके से यहाँ पे ये कपड़े के लिए दिया हुआ है फंसाने के लिए। तो हम इस तरीके से कपड़े को फंसा लेंगे और हमें इसे प्रेस करते हुए स्टिच करना है। साथ ही हमें कपड़े को भी इस तरीके से खींचते हुए इसे स्टिच करना है, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये काफी अच्छे से स्टिच हो गया है। रिमूव करने के लिए यहाँ पे इस तरीके से थ्रेड को लूज करना है और यहाँ से भी निडल के पास से भी थ्रेड को लूज करना है और इस एरिया को हमें कट कर लेना है। अभी इसे लॉक करने के लिए दोबारा इसे प्रेस करना है और फिर हम इसे इस तरीके से रिमूव कर लेंगे। अभी ये लॉक नहीं है, इसे हमें लॉक करना होगा। तो इस तरीके से हमें इस थ्रेड को पीछे की तरफ खींचना है और यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरीके से स्ट्रेच करना है और ये लॉक हो जाएगा। और आप देख सकते हैं इसकी सिलाई काफी अच्छी आई है, बिल्कुल स्विंग मशीन के जैसी इसकी सिलाई आपको दिख जाएगी। पीछे से आप देख सकते हैं जिस तरीके से हम हैंड वर्क करते हैं, बिल्कुल ये इसी तरीके से दिखाई देती है। अभी आपको मैं यहाँ से इसको ओपन करके दिखा देती हूँ कि ये किस तरीके से स्टिच हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये काफी अच्छे तरीके से स्टिच होके आ गया है। इस स्क्रू को अगर आप लूज करेंगे तो आपको मोटी सिलाई मिल जाती है और अगर आप स्क्रू को टाइट करेंगे तो सिलाई छोटी छोटी आएगी। इस तरीके से आप स्क्रू भी एडजस्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक और सिलाई की है। कई लोगों को लगता है कि ये मशीन अच्छी नहीं है, यूजफुल नहीं है, क्योंकि धागा उन लोगों का निकल जाता है क्योंकि वो लोग लॉक नहीं करते। तो अगर आप लॉक नहीं करेंगे तो वो निकल जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ ये किस तरीके से ये निकल जाता है। धागे को रिमूव करने के लिए हमें सबसे पहले इसको वापस से इसे थोड़ा लूज करना है और यहाँ से हमें इसे कट कर लेना है। दोबारा हम इसे इस तरीके से प्रेस करेंगे और इसे रिमूव कर लेंगे। इससे इसका लॉक करना हमें बहुत जरूरी है, यहाँ से पीछे खींच के लॉक करना पड़ता है, जिस तरीके से मैंने आपको इस ये वाले थ्रेड में बताया था। तो अगर हम इसे लॉक नहीं करेंगे तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से रिमूव हो जाएगा। तो कई लोगों को ये लगता है कि ये मशीन यूजफुल नहीं है। सो फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट तरीके में बॉबिन का यूज किया, तो चलिए अब हम देख लेते हैं बड़े थ्रेड का यूज हमें किस तरीके से करना है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा निडल दिया हुआ है, साथ में यहाँ पे एक धागा डालने के लिए हुक दिया हुआ है, यहाँ पे रॉड दिया हुआ है और उसके लिए कैप दिया हुआ है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसे हमें कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले हम इसे रिमूव कर लेंगे, यहाँ से निडल से भी हम निकाल लेंगे धागे को। सबसे पहले रॉड को हमें इस तरीके से फिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे हमें ये थ्रेड को यहाँ पे डालना है और इसमें हमें कैप लगाना है। अब देख सकते हैं ये काफी लूज है, जिस तरीके से हमने बॉबिन का यूज करके धागों को फंसाया था उसी तरीके से हम इसे भी फंसा लेंगे।
यहाँ पे हम एक और सिलाई कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये स्टिच हो रहा है इस रील के धागे का यूज करके भी। अब इसे हम वापस से जिस तरीके से लॉक करते हैं वैसे ही हम इसे लॉक भी कर लेंगे। यहाँ से हम कट कर लेंगे, वापस से एक बार प्रेस करेंगे और इसे आप देख सकते हैं पीछे भी काफी अच्छे से सिलाई हुआ है। धागे को हम खींचेंगे, लॉक कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से लॉक हो गया है और ये बिल्कुल भी अब नहीं निकलने वाला है। सो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये स्टेपलर स्विंग मशीन? अगर पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।